तो कैसी है यह टमाटर और प्याज की बिहारी स्टाइल चटनी? इस चटनी के लिए हमने गैस को ऑन किया है और इस प्रकार की जाली आती है, तो उस पर हम टमाटर डालेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट चूल्हे पे भी पका सकते हैं, लेकिन इस पर आसानी से पकता है और इसका रस भी जल्दी नहीं गिरता नीचे। आप चाहे तो इसे तवे पे भी पका सकते हैं टमाटर को। तो ये देखिए हमारा टमाटर धीरे धीरे इस प्रकार से पक रहा है। इस प्रकार की जाली आपको मार्केट में 100 रुपये के आसपास में आ जाएगी। तो ये देखिए टमाटर कितना बढ़िया ये पक रहा है। आप तवे पर भी पका सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए हमारा फाइनली टमाटर अच्छे से पक गया है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो उसके लिए हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है और इसके सारे छिलके को हम निकाल लेंगे, जितने भी छिलके हैं ऊपर से जले हुए। तो इस प्रकार से हम सारे छिलके को निकाल लेंगे और ये जो चटनी बनेगी बहुत ही बढ़िया। ये ढाबे पे भी मिलती है इस प्रकार की चटनी, और बिहारी स्टाइल ये बहुत ही फेमस और यूनिक चटनी है। तो उसके लिए हमने एक प्याज लिया है, बारीक बारीक काटा है, 3 से 4 हरी मिर्च, आधी इंच अदरक का टुकड़ा को घिस लिया है और कुछ हरी धनिया। तो इन सारे को हम लेके इसमें मिलाएंगे। तो ये देखिए हमने टमाटर को छील के एक बॉल में ले लिया है। अब हम इसे हाथों के सहारे से इसे मैश करेंगे। तो अब ध्यान से यहाँ करेंगे, कभी कभी इससे छींटे निकलते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाथों के सहारे किया है, एक मैनुअली बहुत ही अच्छा होता है, इसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया लगता है इस प्रकार से करने से। आप मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में इतना बढ़िया फ्लेवर इसका नहीं आता है। तो जितने भी गाँठे हैं वो निकाल देंगे आप टमाटर मैश करने के बाद। तो अब हम सारे सामग्री इसमें डालेंगे जितने भी हमने कट करके रखे हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर मिर्ची थोड़ी सी आप ज़्यादा देंगे ताकि तीखापन इसका लगे, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और धनिया भी इस प्रकार की मात्रा में डालें जो कि इसका फ्लेवर भी अच्छे से आए। इन सब को हम अच्छे से अब चाकू की मदद से हमने मिलाया है। आप हाथों के सहारे से मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चाकू की मदद से भी या चम्मच की मदद से भी मिला सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ये भुना हुआ जीरा पाउडर, क्योंकि आधी चम्मच के आसपास है, और ये सादा नमक है। उसके बाद हम यहाँ पर काला नमक थोड़ी सी ऐड करेंगे, दोनों नमक आधी आधी मात्रा में लगभग यूज करेंगे, ताकि काला नमक डालने से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये सरसों तेल, जो कि बिहार के किसी भी फूड में सरसों तेल का उपयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, तो अब सरसों तेल डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर बढ़िया आने वाला है। तो ये देखिए फाइनली हमारा टमाटर और प्याज की चटनी बन के तैयार है। तो अब हम इसे सर्व के लिए निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है, आपके मुँह में पानी आ गया होगा फ्रेंड्स देख के इस प्रकार से इसका टेक्सचर। तो आप टमाटर कम या ज़्यादा इसमें आप कर सकते हैं, प्याज को भी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली ये तरीका तो यही है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।